हेलो ऑल, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे कि हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, और एक और दूसरे ऑपरेटर की बात करेंगे जिसे हम कंपाउंड ऑपरेटर्स कहते हैं। ये दोनों ही टाइप के ऑपरेटर्स नॉर्मली अलग अलग जगह यूज किए जा सकते हैं, मैक्सिमम यूज इसका लूप्स में होता है, इसीलिए मैंने उचित समझा इनको हम डिस्कशन में लाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट और स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस और माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी आर एक्चुअली फर्स्ट डिस्कसिंग इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही ऑपरेटर वैल्यू वन के लिए काम करते हैं। वैल्यू वन मीन्स द इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल इंक्रीज द कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल बाय वन, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो वेरिएबल के कंटेंट्स को एक से कम करेगा। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, डिक्रीमेंट ऑपरेटर विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन ओनली। तो दोनों ही वन के लिए काम करते हैं, वन वैल्यू के लिए काम करते हैं। नाउ दोनों ही जो ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों ही अपने आप में दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। मैं आपको इंक्रीमेंट के बारे में पहले बताता हूँ, डिक्रीमेंट अंडरस्टूड होगा। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो खुद दो टाइप का होता है, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड अनदर इज पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों ही, चाहे प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, अल्टीमेटली चूंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो भी दो टाइप का होगा, ऑब्वियसली वन इज प्री डिक्रीमेंट एंड अनदर इज पोस्ट डिक्रीमेंट, और दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम कर देंगे। फिर डिफरेंस क्या है? प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों ही वैल्यू को एक से बढ़ाते हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो हम इसके एग्जीक्यूशन को देखते हैं। एग्जीक्यूशन में जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो टू स्टेजेस में एग्जीक्यूट होता है या वर्क करता है। सबसे पहले जैसे कि बोला गया प्री इंक्रीमेंट, सो ये पहली स्टेज में काम करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, और सेकेंड स्टेज ये होगी एंड देन यूज the value of variable. So these are the steps जिसमें कि ये प्री इंक्रीमेंट काम करता है। तो सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल पर यदि मैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो वो क्या करेगा, पहले उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसे एक से बढ़ाएगा, और फिर सेकेंड स्टेज में वो जो बढ़ी हुई वैल्यू है जो वेरिएबल में स्टोर्ड है उसको हम यूज कर पाएंगे। This is how this pre-increment works. पर यदि post increment की बात करें तो क्या होगा? Post increment कुछ इस तरीके से काम करेगा, मैं यहां mention करता हूं। सबसे पहले post increment, सबसे पहली स्टेज में क्या काम होगा? तो पहले होगा post decrement. So पहले होगा use the current value of variable. फर्स्ट मतलब पहले जो भी अभी वेरिएबल में कंटेंट्स है, वैल्यू है, उसको पहले उपयोग में लाएं, और फिर अगली स्टेज में चूंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है अब वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। अल्टीमेटली दोनों में डिफरेंस सिर्फ सीक्वेंस का है। यहां पर क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट में पहले जो भी वेरिएबल में वैल्यू उसको बढ़ाया जाए और फिर बढ़ी हुई वैल्यू को यूज किया जाए, लेकिन वहीं पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, पहले जो भी करंट वैल्यू वेरिएबल की है उसको यूज कर लिया जाए पहले, और बाद में फिर उस वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ाई जाए। अल्टीमेटली जब दोनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ी हुई मिलेगी, चाहे इस केस की बात करें चाहे इस केस में बात करें। इसीलिए दोनों ही केसेस में जो वेरिएबल की वैल्यू होगी एक से आपको बढ़ी हुई मिलेगी। एग्जीक्यूशन में स्टेप्स के डिफरेंस के कारण ये दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स आपके पास यहां पर अवेलेबल है।
बिल्कुल ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी बात होगी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होंगे। जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, प्री डिक्रीमेंट की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे पहले जो भी करंट वैल्यू है वेरिएबल की उसे डिक्रीज किया जाए और फिर डिक्रीज्ड वैल्यू को यूज किया जाए। जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करेंगे तब क्या होगा, तब हम ये कहेंगे कि जो भी अभी वेरिएबल की करंट वैल्यू है उसे यूज किया जाए, बाद में फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम कर दिया जाए। सो दैट विल बी दी पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो नाउ टेक एन एग्जाम्पल कि कैसे ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, I'll define the integer variable i and assuming that its value is 5. इसके बाद मैं इसे इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू यूज करके हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे वैल्यूज को। यदि मैं यहां लिखता हूं सी आउट i इज इक्वल टू एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ i यूजिंग द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और वेदर पहले मैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूं, यदि मैं लिखता हूं i प्लस प्लस, then what will be the output, expected output. So यहाँ देखिए हम i is equal to ये message print होगा, साथ में ये statement यहाँ पर execute होगा, तो finally यहाँ पर output क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर ये post increment है, चूंकि ये post increment है, मान लेते हैं ये है आपका i, i की value अभी है 5, now as it is a post increment, so post increment क्या कहता है, first use the current value of variable first, मतलब जो भी अभी वेरिएबल की वैल्यू उसे यूज कर लिया जाए। नाउ हम काहे के लिए यूज कर रहे हैं इसे, प्रिंटिंग के लिए, तो आई तो जो आउटपुट होगा मैं यहां लिखता हूं, यहां पर जो आउटपुट होगा वो आई इज इक्वल टू 5 ही डिस्प्ले होगा। लेकिन अब ये तो वो फर्स्ट स्टेज का एग्जीक्यूशन, अब सेकेंड स्टेज एग्जीक्यूट होगी और कह रहा है कि देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सो अब इस तरीके से जो आई की वैल्यू थी वो अब 6 हो जाएगी, अल्टीमेटली आई की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी है। लेकिन चूंकि यहां हमने प्रिंटिंग में i++ यूज किया, तो जो i की एक्चुअल पहले वैल्यू थी बिफोर इंक्रीजिंग द वैल्यू वो यूज हुई और फिर वैल्यू को 1 से बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, यदि अब यहां पर आप i को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वो अब आपको i की वैल्यू 6 ही नजर आएगी, दैट इज i इज इक्वल टू एंड i, सो यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 6 ही मिलेगी बिकॉज अब i की वैल्यू 6 हो चुकी है। सो दैट इज द सिंपल एग्जीक्यूशन। Now, इसी तरीके से हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट को भी यूज करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा एक इंटीजर वेरिएबल, सेम इंटीजर वेरिएबल हम लोग लेते हैं i इज इक्वल टू 5, और अब मैं इसे प्री की मदद से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से सी आउट, यहाँ मैंने लिखा i इज इक्वल टू एंड हियर आई यूज प्लस प्लस i, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, अगेन टेकिंग द वेरिएबल i की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 5। नाउ जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा i इज इक्वल टू ऐसा मैसेज आएगा और यहां पर एक वैल्यू प्रिंट होगी, व्हाट विल बी दैट वैल्यू। सो हियर वी हैव यूज प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, बोलता है, कहता है कि फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, पहले वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए तो ये वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी आपकी 6, और फिर सेकेंड स्टेज कहता है देन यूज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 6, तो यहां पर अब वैल्यू जो यूज में आएगी वो आई की करंट वैल्यू यूज में आएगी और वो क्या हो चुकी है 6। सो यहां भी देखिए, यहां पर भी आई के लिए 5 थी बढ़ के 6 हो चुकी है, यहां पर भी आई के लिए 5 थी बढ़ के 6 हो चुकी है, दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली आई की वैल्यू 1 से बढ़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आया है। अब आप यहां फिर से यदि आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं जैसे कि हमने यहां की, तो आपको फिर से आउटपुट में 6 ही नजर आएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू and just plain I want to print the value of i, so यहाँ पर output फिर से क्या आएगा i is equal to 6, so you can see the difference in the first line, both together, दोनों ही cases में second line में answer same आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है चाहे pre हो या post हो value 1 से बढ़ना ही है variable की, इसीलिए दोनों ही cases में second lines में answer same आ रहा है, लेकिन जो first line है दोनों ही cases के उसके answer अलग अलग है, क्यों, तो पहले हमने post use किया जिसमें value पहले जो करंट वैल्यू यूज होगी फिर बढ़ेगी, जब आप प्री यूज करेंगे तो पहले वैल्यू बढ़ेगी और फिर बढ़ी हुई वैल्यू यूज में आएंगी, इसलिए दोनों ही केसेस में आंसर 6 नजर आएगा। सो दिस इज एक्चुअली द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यदि मैं इसी को डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस विद द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो दिस विल बी द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ अगेन द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑफ टू टाइप, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस
डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड हियर इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड हियर इट इज प्री डिक्रीमेंट. सो प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस प्री डिक्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा. प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट. सो आई विल जस्ट रिवर्स दिस सिंबल. डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय वन फर्स्ट एंड देन यूज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. दिस इज हाउ दिस विल एग्जीक्यूट. पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा या कैसे स्टेप्स में एग्जीक्यूट होगा. यूज द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फर्स्ट, जो भी वैल्यू अभी है उसको यूज कर लिया जाए, और बाद में डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय वन. इसे भी हम इसी तरीके के एग्जाम्पल से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, वो आप जरूर ट्राई करिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अब हम यहां से इन्हें हमने कहां कहां यूज करना है उसके बारे में बात करें. अभी जब भी हमने लूप स्टेटमेंट देखे हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वहां जहां पर भी हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस वन यूज किया है एज अ अपडेशन स्टेटमेंट. हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस वन हर जगह यूज किया है. इसकी जगह आप अल्टरनेटिवली या तो आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं या आप प्लस प्लस आई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइल लूप का एक एग्जाम्पल आपको बना के बताता हूँ. हमने व्हाइल लूप में कुछ ऐसा लिखा है, या फॉर लूप में लिख के बताता हूँ मैं आपको. हमने ऐसा लिखा है फॉर आई इज इक्वल टू वन देन आई लेस देन इक्वल टू लेट्स से एफ वी. सो आई इज इक्वल टू आई वी, आई वी से एफ वी तक जाते हैं, आई वी एफ वी. और यहां हमने लिखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, दैट वॉज द अपडेशन स्टेटमेंट. ना यहां इस आई इज इक्वल टू आई प्लस वन की प्लेस पर हम आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं. सो आई विल रिमूव दिस और यहां हम I इज इक्वल टू आई प्लस वन की जगह आई प्लस प्लस यूज करेंगे, कर सकते हैं. बाकी कोड आपका सेम रहेगा. यहाँ आई प्लस प्लस यूज करने के बजाय प्लस प्लस आई भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेरिएबल एक वैल्यू एक से बढ़नी ही बढ़नी है. सो अल्टरनेटिवली आई कैन यूज प्लस प्लस आई ऑल्सो. तो इस तरीके से जहां पर भी आपको वैल्यूज को एक से इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो, तब आप प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से डिक्रीमेंट करना हो तो माइनस माइनस आप यूज कर सकते हैं, दैट इज प्री एंड पोस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड ऑपरेटर्स. नाउ व्हाट आर द कंपाउंड ऑपरेटर्स. कंपाउंड ऑपरेटर्स जैसे कि नाम है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दैट इज द ऑपरेटर्स एंड विद द इक्वालिटी ऑपरेटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, अभी तक हम लिखते आ रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन. नाउ using compound operators I can write it as I plus is equal to 1, one and the same thing, and this operator is actually known as the compound operator. So here we are discussing compound operators. So what are the compound operators, different compound operators? Plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, divide equal to, mod equal to, and so on. These are the compound operators. These are the combination of the arithmetic operators plus, minus, multiplication, division, which along with the assignment operator. So, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? इसके लिए एक शर्त है. Compound operators को use करने की एक शर्त है, वो ये है कि compound operator आप सिर्फ तभी use कर सकते हैं जब assignment की दोनों तरफ same operand use हो रहा हो. जैसे यहाँ देखिए I is equal to I plus 1. Now, असाइनमेंट ऑपरेटर की दोनों तरफ सेम ऑपरेंड यूज हुआ है. यहां पर हम इस स्टेटमेंट में आई को जो हमने दूसरी बार लिखा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार लिखने के लिए हम यहां पर कंपाउंड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. तो यहां देखिए फिर से आपको आई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल नम इज इक्वल टू नम बाय 10. सो हियर अगेन आई कैन यूज द कंपाउंड ऑपरेटर. एज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की दोनों तरफ आपको सेम ऑपरेंड दिख रहा है, दैट इज नम. तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज नम डिवाइड इक्वल टू 10. फिर से आपको दोबारा नम को लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द कंपाउंड ऑपरेटर और यूज ऑफ द कंपाउंड ऑपरेटर. अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो ये कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सिर्फ वैल्यू 1 के लिए काम करते हैं, या तो वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे या 1 से कम कर देंगे. लेकिन जो कंपाउंड ऑपरेटर है इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए काम करता है, जैसे यहाँ आई इज इक्वल टू आई प्लस वन था, यहाँ नम इज इक्वल टू नम बाय टेन है, नाउ वन के बजाय यहाँ पर वैल्यू हम टेन से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ तभी अप्लाई कर रहे हैं जब वैल्यू या तो वन से बढ़ रही है या वन से कम रिड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी अरिथमेटिक वैल्यू के साथ इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो फिर अभी तक जहां हमने यूज किया i इज इक्वल टू आई प्लस वन नॉर्मली लूप्स में, जैसे कि हमने यहां पर बताया था फॉर लूप का एक एग्जांपल लिया था, वहां पर अब आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज i प्लस इक्वल टू वन। सो यहां i इज इक्वल टू आई प्लस वन को अल्टीमेटली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड ऑपरेटर की मदद से कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो दीज आर द कंपाउंड ऑपरेटर्स एंड वी कैन यूटिलाइज देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। So this is all about the increment, decrement and compound operators. Use it in programming. Thank you.